मैं निमिष सर धनश्री एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। ज़्यादातर लोग मुझे एक सवाल पूछते हैं कि सर मार्केट में फियर और ग्रीड का क्या कनेक्शन है और बाजार कैसे चलता है। माय डियर फ्रेंड, उसका मैं कुछ जवाब देना चाहता हूँ कि ये जो मार्केट है, ये मार्केट पूरा ग्रीड और फियर पे ही चलता है। मतलब जो है वो लालच पे और आशा रहती है उसे, इसके ऊपर ही बाजार चलता है। सो फियर और ग्रीड, इसके ऊपर ही बाजार चलता है। मान लीजिए कि आपने 100 रुपये के शेयर्स खरीदे और जब वो शेयर्स बढ़ना शुरू हो जाता है, 100, 110, 120, 130 और इस तरह से 150 हो जाता है, तो आपको लालच रहती है कि अगर मैं 150 पे बेच दूंगा तो कहीं 200 तो नहीं हो जाएगा, कहीं 250 तो नहीं हो जाएगा। सो ये लालच जो है वो मन में हमेशा रहती है और उसी तरह से डर भी रहता है, फियर भी रहता है कि जो शेयर 100 का 110, 120, 130, 140 और 150 हो चुका है और अब डर लग रहा है कि 150 से कहीं 140 तो नहीं हो जाएगा, कहीं 130 तो नहीं हो जाएगा, कहीं 120 तो नहीं हो जाएगा, कहीं 100 तो नहीं हो जाएगा। सो ये डर भी लगा रहता है। सो ये जो शेयर की प्राइस है उसमें दोनों चीज़ें जुड़ी हुई है, आदमी का फियर, डर भी जुड़ा हुआ है कहीं नीचे ना चला जाए, नीचे ना चला जाए, और लालच भी जुड़ी हुई है कि 150 के 200 तो नहीं हो जाएंगे, 250 तो नहीं हो जाएंगे, ये लालच भी जुड़ी हुई है। सो इसी तरह से हर प्राइस के साथ में फियर और ग्रीड जुड़ी ही रहती है। अगर फियर और ग्रीड अगर मार्केट में नहीं होगा तो ये बाज़ार जो है वॉलिडिटी नहीं होगी, बाज़ार ख़त्म हो जाएगा, एक जैसा ही बाज़ार चलेगा या एक जैसा बाज़ार गिरेगा। इसीलिए बाज़ार में ये दोनों ही चीज़ें रहनी ज़रूरी रहती है और इसीलिए इसका बहुत ही महत्व है, फियर और ग्रीड का बहुत ही महत्व है, ये हर प्राइस के साथ जुड़ा रहता है। सो यही वो चीज़ मैं आज आपको बताना चाहता था कि फियर और ग्रिड के ऊपर ही बाजार चल रहा है। और एक सवाल मुझे लोग पूछते हैं कि सर क्या एवरेज करना चाहिए? यस, करना चाहिए, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट में ही एवरेज करना चाहिए, लॉस में बिल्कुल नहीं। क्योंकि कभी आपने हारे हुए घोड़े पे कभी पैसे लगाए हैं? शायद नहीं, जीतने वाले घोड़े पे ही पैसे लगाए, राइट? तो उसी तरह से हारे हुए घोड़े पे पैसा कभी नहीं लगाना चाहिए, जीतने वाले घोड़े पे ही पैसा लगाना चाहिए। मतलब अगर आपका शेयर प्रॉफिट में जा रहा है तो आपको एवरेज ज़रूर करनी चाहिए, बट उसका भी तरीका होता है। वो तरीका हम हमारे एडवांस प्रोग्राम में सिखाते हैं, हम ट्रेनिंग देते हैं पूरे इंडिया के अंदर शेयर्स की। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो वहाँ पर आइए, वहाँ पर आपको प्रॉपर तरीका बताया जाएगा कि एवरेज कैसे करनी है। उसके कुछ सिस्टम होते हैं, कुछ टूल होते हैं, वो आपको सिखाया जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड, एक चीज़ ज़रूर समझ लीजिए कि लॉस में कभी एवरेज नहीं करना चाहिए। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच। धनश्री एकेडमी, योर मनी योर ड्रीम्स अवर ट्रेनिंग। ज्वाइन अवर कोर्सेज टू लर्न स्टॉक, कमोडिटीज, डेरिवेटिव मार्केट। फॉर मोर डिटेल्स लॉग ऑन टू www.dhanashriacademy.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।